हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सर्दियों में हम अपने बच्चे को हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो कि उसके शरीर को स्वस्थ रख सके, क्योंकि फ्रेंड्स गर्मियों के मुकाबले सर्दियों में हम ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, क्योंकि यह हमारे शरीर को पचाने में आसानी होती है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो गर्मी में हम अवॉइड करते हैं क्योंकि गर्म होती हैं, उनको हम सर्दियों में लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो फ्रेंड्स, उनमें से ही एक चीज़ है बादाम। बादाम कितने बेनिफिशियल है ये हम सब जानते हैं, खासकर बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए या पढ़ने वाले बच्चों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे यह उनको बचाता है। तो फ्रेंड्स, हम यूजुअली बादाम बच्चों को वैसे देते हैं, लेकिन अगर आप बादाम वाला दूध अपने बच्चे को देंगे तो वो उसके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि दूध भी बच्चा ले रहा है साथ ही साथ बादाम के भी बेनिफिट्स वो ले पा रहा है। तो कुछ लोग यह नहीं जानते कि बादाम का दूध बनाने का सही तरीका क्या होता है, और साथ ही साथ एक और चीज़ है कि बादाम के दूध की कितनी एक दिन में क्वांटिटी आपको अपने बच्चे को देनी चाहिए। तो आज मैं इसी वीडियो में आपको सही तरीका भी बताऊंगी, उसकी क्वांटिटी भी बताऊंगी, साथ ही साथ बादाम दूध को अपने बच्चे को पिलाने के बेनिफिट्स भी बताऊंगी। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप जानें कि बादाम के दूध को बनाने का सही तरीका क्या है। फ्रेंड्स, कुछ लोग बादाम का दूध बनाने के लिए बादाम को पीस कर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर दूध में गाड़ते हैं। ये तरीका फ्रेंड्स ठीक तो है, लेकिन यह उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि यह हो सकता है। तो इसके लिए आपको यही करना है कि आपको बादाम को पहले भिगोना है, फिर उनको छीलना है, और फिर उसमें थोड़ा सा आप दूध डालकर उसके साथ उनको पीसना है। बारीक एक पेस्ट बना लीजिए, जैसे कि आप 250 ग्राम्स अगर दूध ले रहे हैं, फुल क्रीम दूध यहाँ पे मैं उसकी बात कर रही हूँ, तो फुल क्रीम दूध आप 250 ग्राम ले लीजिए। इसके साथ ही आप उसमें 7 से 8 बादाम जो भिगोकर रखे हुए हैं उनको, तो उनमें से ही 2 टेबलस्पून दूध लेके उसके साथ उसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लीजिए। चाहे तो आप बीच में इलायची को भी ग्राइंड कर सकते हैं। तो इसको आप अच्छा सा एक पेस्ट तैयार कर लीजिए और दूध को बॉयल करने के लिए रख दीजिए। और जब दूध थोड़ा सा बॉयल होने वाला हो तो यह पेस्ट उसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अब दूध को आपको 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से बॉयल करना है। इसको बीच बीच में हिलाते रहिए, नहीं तो दूध बाहर आ जाएगा। और साथ ही बीच में 1-2 मिनट के बाद आप इसमें चीनी भी अपने हिसाब से, अपने बच्चे के टेस्ट के हिसाब से, 1 या 2 टेबल स्पून जैसा भी आप उसको देते हैं उस हिसाब से इसको डाल दीजिए। इसको फ्रेंड्स दूध को काढ़ना यानी दूध को पकाना भी बहुत ज़रूरी है, तभी बादाम के पूरे बेनिफिट्स आपका बच्चा ले पाएगा। यानी 5-6 मिनट तक आप उसको यूँ ही पकाते रहिए, और इसके बाद आपका ये बादाम वाला दूध बनकर बिल्कुल तैयार है। तो ये तो फ्रेंड्स थी उस दूध बनाने का सही तरीका। तो अब आप जानें कि बादाम के दूध पीने के आपके बच्चे को क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। फ्रेंड्स, बादाम हमारे दिमाग को तेज़ करता है, यह तो बहुत ही जानी मानी बात है, लेकिन ऐसी और भी कई चीज़ें हैं जिनमें बादाम बहुत ही बेनिफिशियल होता है। जैसे कि सबसे पहले है कि सर्दियों में बादाम वाला दूध पीने से जो छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं बच्चों को, सर्दी खांसी हो जाती है, वह उनसे बचे रहते हैं। क्योंकि छोटे छोटे इन्फेक्शन हो देखने में तो छोटे लगते हैं, लेकिन छोटे बच्चे के लिए ये बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हो जाते हैं, तो इनसे उन बीमारियों को वह सुरक्षित रखता है। साथ ही फ्रेंड्स, बादाम में मौजूद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि अगर आप 1 कप भी बादाम का दूध लेंगे तो उसमें प्रोटीन, कैल्शियम, कैलोरी, फाइबर, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ई होता है, साथ ही साथ विटामिन डी, वी और ई की भी काफ़ी मात्रा बादाम वाले दूध में पाई जाती है। बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि ऐसे तो दिमाग को तेज़ करता है, साथ ही साथ उनके शरीर को एनर्जी भी यह प्रदान करता है सर्दी जुकाम से, तो उनको बचा के यह ज़रूर रखता है। फ्रेंड्स, बच्चों के डाइजेस्टिव सिस्टम को या बड़े को डाइजेस्टिव सिस्टम को भी यह ठीक करता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में पाचन शक्ति बढ़ाता है, क्योंकि यह फाइबर से भरपूर होता है, और इसका सेवन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे हमारे स्टमक से जुड़ी बहुत सारी समस्याओं से हमें निजात मिलता है। फिर से दिल के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि बादाम के दूध में कोलेस्ट्रॉल नहीं होता, और साथ ही इसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे हमारा दिल हेल्दी रहता है और बीमारियों से बचा रहता है। फ्रेंड्स, बादाम वाले दूध से जो बोन्स है वह भी स्ट्रांग होती हैं, मजबूत होती हैं, कैल्शियम और विटामिन डी से भरपूर होने के कारण बादाम वाला दूध हड्डियों व दांतों को मजबूत बनाता है। इसके अलावा बादाम वाला दूध पीने से अगर बड़ों में अर्थराइटिस या भी ऑस्टोबोराइसिस की समस्या है, उसका भी खतरा कम से कम उनको रहता है। फ्रेंड्स, बच्चों की आँखों को सुरक्षित करने के लिए भी बादाम बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है, जो हम बच्चों की और सबकी आइज़ के लिए अच्छा होता है। तो ना सिर्फ आँखों की रोशनी बढ़ाता है,
है, बल्कि आंखों से संबंधित अगर कोई समस्याएं भी हैं उनसे भी है बचा के रखता है। फिर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए भी बादाम वाला दूध बहुत अच्छा है, इससे हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है और इससे ही हम सर्दियों में होने वाली छोटी छोटी खांसी जुकाम जैसी जो दिखते हैं या थोड़ा सा बुखार है उन सभी समस्याओं से बचे रहते हैं। फ्रेंड्स यही नहीं, स्किन को भी ये बहुत अच्छा करता है, स्किन को खूबसूरत बनाता है, क्योंकि बादाम दूध में बहुत सारा 50% तक विटामिन ई पाया जाता है जिससे स्किन में ग्लो आता है। तो बड़ों बच्चों के लिए ही नहीं बड़ों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है जो स्किन को डैमेज होने से उसकी मरम्मत करता है और उसकी खूबसूरती को बनाए रखता है। फ्रेंड्स कुछ लोगों में तनाव या डिप्रेशन की भी समस्या होती है, उससे भी यह छुटकारा दिलाता है, क्योंकि डिप्रेशन से दिल और दिमाग पर सीधा खतरनाक असर पड़ता है। और इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी बात की कोई परेशानी है तो आप एक गिलास अगर हल्का गर्म बादाम वाला दूध पी लेंगे तो आप खुद ही देखेंगे कि आपको कितना सुकून मिला है, कितना आराम मिला है। फ्रेंड्स ये थे बादाम के दूध के कुछ ऐसे फ़ायदे जो बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो सर्दियों में इसको आप रेगुलर तौर पे पी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स बच्चों के लिए इसकी क्वांटिटी आप लिमिटेड ही रखिएगा, यानी एक दिन में आप एक गिलास के आसपास ही उसको बादाम वाला दूध दें, ज़्यादा नहीं देना चाहिए क्योंकि बादाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है। तो इसीलिए आप इसकी क्वांटिटी का बच्चों के लिए तो खास ख्याल रखिए ताकि वह स्वस्थ रह सकें और साथ ही इस दूध के वह पूरे फायदे उठाकर अपने दिमाग को और शरीर को चुस्त और तंदुरुस्त रख सकें। फ्रेंड्स ये था आज का मेरा टॉपिक। अगर आप इस बारे में कुछ और पूछना चाहते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।